छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर सीमेंट के बढ़े दामों पर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। पूरे प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। सीमेंट की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग होगी। 12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी कांग्रेस। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में सीमेंट के बढ़े दामों पर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आपको याद होगा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी सरकार को। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी सीमेंट के बढ़े दामों पर। अब कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। खोमन, पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसके बाद प्रदर्शन करने वाली है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और क्या कुछ मांग कर रही है कांग्रेस? देखिए, पिछले दिनों जो 50 रुपए सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, उसी को वापस लेने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही कारण है कि आज अलग अलग जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता करने वाले हैं। राजधानी रायपुर में दीपक बैज करने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को, विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नगरी निकाय चूंकि नज़दीक है प्रतिज्ञा, यही कारण है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। कल भी आपने किस तरीके से देखा था कि बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेस की तमाम जो कार्यकर्ता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी दीपक बैज जिसके और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत है, वो सड़कों पर नजर आए थे, सरकार का विरोध करते हुए नजर आए थे। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके के मुद्दा उठाने वाली है, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हो, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो लगातार छोटे से लेकर बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब सीमेंट के बढ़े हुए दाम को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है कांग्रेस।